हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, के क्वेश्चन नंबर 116, 17, 18 एंड 19। सो क्वेश्चन नंबर 115 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है तो ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। सो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। क्या गिवन है अपने पास, देखो 116 में ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स है ए एंड बी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3/4, 1/4। देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 को। बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर्स, रिजर्व फंड, ओल्ड आइटम स्टार मार्क कर लो, कैपिटल का बैलेंस, कैश एट बैंक, बी आर, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ऑन 1 अप्रैल 2023 सी वाज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। कितने शेयर के लिए आ गया, 1/4 शेयर के लिए। वो लेके आ रहा है 1 लाख अपनी कैपिटल, सी पे कर रहा है 50,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच विच विड्रॉन बाय द पार्टनर ए एंड बी। गुडविल की हाफ अमाउंट विड्रॉ कर ली पार्टनर्स ने। द स्टॉक एंड फिक्सचर्स बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड ऑन सन्डी डेटर्स एंड बी आर। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। Being a claim against the firm for damages, a liability to the extent for 10,000 should be created. कोई liability create करनी है हमें कितने की, 10,000 की। तो ये अपने पास यहाँ पे तो है नहीं, तो इसके ऊपर star mark कर लो, balance sheet में नहीं है। An item of 6,500 included in the sundry creditor is not likely to be claimed, hence should be written back. Record the above transaction. मतलब हमें क्या करनी है, journal entries करनी है books में of the firm, assuming That the profit sharing ratio between A and B has not changed. मतलब A और B का profit sharing ratio change नहीं हुआ. Prepare the new balance sheet on the admission of the C. Journal entry करनी है, balance sheet करनी है. मतलब question ने indirectly क्या पूछ लिया, हमें क्या भी बनाना है, capital account भी करना है. तो question को कहां से करना start करते हैं, journal entries है. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, question के अंदर old ratio क्या है, partners का old ratio क्या है, A and B का, ए एंड बी का जो ओल्ड रेशियो गिवन है वो गिवन है 3/4 ratio 1/4। मींस क्या हो जाएगा, 3:1 क्या जाएगा अपने पास ओल्ड रेशियो पार्टनर्स का। उनकी बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के अंदर सी का शेयर कितना है, 1/4। सी का शेयर कितना है, 1/4। क्या क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसके शेयर से रिलेटेड, नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ने बस एक ये हिंट दिया है हमें कि ए और बी का रेशियो चेंज नहीं होगा, मतलब पहले जितना था उतना ही आज रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा अपने पास, 3:1। कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं इसके शेयर से रिलेटेड, तो अपने पास सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 3:1 ही सैक्रिफाइजिंग बन जाएगा। आप क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करें, सबसे पहले जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को। सी क्या लेके आ रहा है, कैपिटल, तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट। जब बैलेंस शीट में क्या गिवन अपने पास, कैश एट बैंक, तो बैंक ही लेके चलेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लेके आया वो, 1 लाख की तो कैपिटल लेके आया, साथ में ही पेज 50,000 फॉर गुडविल, 50,000 पेमेंट कर दी गुडविल के लिए। टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 1,50,000 फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये जो 50,000 की अमाउंट लेके आया ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो में बांट लेंगे, जो कि हो जाएगा 3:1। ऑलरेडी सेक्रीफाइज हो जाएगा यहाँ पे। So 50,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 12,500 एंड 37,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास, क्या हो जाएगा, अब ये जो गुडविल थी ये विड्रॉ कर ली थी पार्टनर्स ने, हाफ ऑफ दिस सम इज विड्रॉन बाय द पार्टनर ए एंड बी, हाफ अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो एंट्री क्या आ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टोटल कितनी अमाउंट मिले इनको, 50,000, उसका कितना हाफ हो जाएगा, 25,000। 25,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:1, या फिर इन दोनों का हाफ करके लिख लो, जैसे भी आपको करना हो। तो अमाउंट आ जाएगी 18,750 एंड 6,250। चाहे तो इन दोनों का हाफ करके यहां लिख दो, या फिर ये जो 25,000 आया इसको सेक्रीफाइजिंग में बांट दो। आंसर भैया ने, ये अपने पास रिलेटेड एंट्री होगी किससे, नए पार्टनर से रिलेटेड। अब रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज कर ले, तो ये एंट्री भी कब आएगी अपने पास, 1 अप्रैल 2023 को ही आएगी ये एंट्री भी। सबसे पहले लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड क्या क्या आता है अपने पास, ए माइनस एल प्लस, एसेट घटा लाइबिलिटी बढ़ी। तो स्टॉक की वैल्यू क्या हुई, रिड्यूस हुई, फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस हुई, तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक
एंड टू फर्नीचर, पहले इन दोनों के अमाउंट भी लिख ले साथ में। स्टॉक की वैल्यू कम करनी है 10%, फर्नीचर की वैल्यू 10%, तो स्टॉक कितने का अपने पास 2 लाख का, 2 लाख का 10% कितना आ जाएगा 20,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फिक्सचर्स, फिक्सचर्स का कितना लेके चलना हमें 10%, फिक्सचर्स की वैल्यू कितनी है 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 का 10% 1,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है हमें कितने का 5% का, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 1,60,000, कोई भी पुराना प्रोविजन नहीं है तो क्या लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,60,000 का 5%, कितना आ जाएगा अपने पास ये 8,000। हाँ 8,000 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर्स एंड बी आर, बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी क्रिएट करना है टू प्रोविजन फॉर बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल का प्रोविजन कितना आ जाएगा 30,000 का 5%, कितना आ जाएगा 1,500। ये हो गया अपने पास थर्ड एंट्री कंप्लीट। वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है 20% से, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिसिएट करनी है, तो 2-3 लाइन की स्पेस छोड़ने के बाद लिखना फिर। अब रिवैल्यूएशन की क्रेडिट की एंट्री आ रही है अपने पास, क्या है सबसे पहले अपने पास लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिसिएट करना है, तो एंट्री क्या होगी लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, कितनी वैल्यू बढ़ानी है हमें 20%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है कितनी 2,50,000, 2,50,000 का 20% कितना आ जाएगा अपने पास 50,000, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 50,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, देयर वाज ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, ए लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 बी क्रिएटेड, 10,000 की एक हमें लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, ठीक है, तो क्या लिखे यहाँ पे टू, किस नाम से आएगी फर्म फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस ऐसे लिख ले, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर डैमेजेस, कितना डैमेजेस के लिए क्लेम क्रिएट करना है हमें, हमें क्लेम क्रिएट करना है 10,000 रुपए का, रिवॉल्यूशन के किस साइड जाएगी डेबिट साइड क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है अपनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा एन आइटम ऑफ 6,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करनी है तो रिवॉल्यूशन में किस साइड जाएगी अपने पास क्रेडिट साइड, कितना अपने पास क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी कम करनी है 6,500, और ये रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, टोटल कर लो कितना आ जाएगा 56,500। अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में नहीं आ रही रिवॉल्यूशन की, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना, ठीक है, 20,000, 1,000, 8,000, 1,500 एंड 10,000, टोटल आ रहा है अपने पास 40,500। ये आ जाएगा अपने पास 20,000, 1,000, 8,000, 1,500 एंड 10,000, अमाउंट आएगी 40,500 की, ठीक है। रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड कितनी अमाउंट आ गई 40,500, क्रेडिट साइड कितना अपने पास 56,500, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास पूरा 16,000। अब कौन सा बैलेंस ज्यादा अपने पास रिवॉल्यूशन में, क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है मतलब कि प्रॉफिट हुआ हमें, तो 1,423 को हम क्या करेंगे, क्रेडिट ज्यादा है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, कितनी अमाउंट है अपने पास ये 16,000 की अमाउंट है, कितना है 16,000 अपने पास प्रॉफिट आया, कैसे आया 56,500 से माइनस कर लो 4,500, तो 16,000 का प्रॉफिट आया, इसको बांट लेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या पार्टनर्स का 3:1, तो 16,000 डिवाइडेड बाई 4 अमाउंट आ जाएगी 4,000 एंड 12,000, ठीक है। ये अपने पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, मेरे अकॉर्डिंग और तो कोई एंट्री नहीं आनी चाहिए, देखते हैं और कोई एंट्री अपने पास, कोई ओल्ड आइटम था, हाँ एक ही जनरल रिजर्व ओल्ड आइटम है, इसकी एंट्री और करेंगे तो स्पेस अपने पास नहीं है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो एक एंट्री आ जाएगी अपने पास रिजर्व फंड डेबिट टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल, बैलेंस शीट के जो ओल्ड आइटम है उसकी भी जनरल एंट्री करते हैं। ओल्ड आइटम कितने का अपने पास 40,000 का, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:1 में, तो कितना आ जाएगा 30,000 एंड 10,000, ये हो गया कंप्लीट अपने पास। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज होगी, क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो कैपिटल अकाउंट यही कर लेते हैं, ज्यादा लेंदी नहीं आएगा। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ए बी सी, ए बी सी सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी, इनका बैलेंस कितना है पार्टनर्स का, तो पार्टनर्स का बैलेंस कितना है 3,160,000। क्वेश्चन में सारी जर्नल एंट्रीज की है तो जर्नल एंट्रीज पे आ जाओ, सबसे पहले बाय जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड जो भी है, कितने का है 30,000 का और 10,000 का, ये पार्टनर्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री डिवेल्यूशन का क्या आया प्रॉफिट 12,000 एंड 4,000,
बाय रिवेल्यूशन अकाउंट। उसके बाद कैपिटल वर्ड कहां यूज किया, इन दो एंट्रीज में कोई कैपिटल नहीं है। उसके बाद यहां पे अपने पास सी की कैपिटल आई 1,00,000 रुपए की बाई बैंक अकाउंट। सी कैपिटल लेके आया कितने की, 1,00,000 रुपए की, वो कैपिटल लेके आया, कैपिटल आ गई। उसके बाद गुडविल मिलेगी पार्टनर्स को 37,500 एंड 12,500। पार्टनर्स को गुडविल मिल जाएगी, क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर ली टू बैंक, कितनी अमाउंट विड्रॉ की थी पार्टनर्स ने, ये अमाउंट विड्रॉ की 18,750 एंड 6,250। ये अपने पास हो जाएगा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन में हमने स्टार किया हुआ था, किसके लिए किया था ये बैलेंस शीट के लिए किया था, ठीक है। तो टोटल कर लेंगे और यहां लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। तो ए का टोटल कितना आएगा अपने पास, 3,00,000 प्लस 30,000, 12,000, 37,500, ये अमाउंट आ जाएगी 379,500। 379,500 से माइनस कर लेंगे 18,750, बैलेंस आ जाएगा 360,750। उसके बाद 1,60,000, 10,000, 4,000 एंड 12,500, अमाउंट आ जाएगी 186,500 से माइनस कर लेंगे हम 6,250, कितना बैलेंस आएगा, 180,250 का, कितने का आ जाएगा, 180,250 का। उसके बाद देखते हैं सी का बैलेंस, सी का बैलेंस कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1,00,000 ही आएगा। कितना बैलेंस आ जाएगा सी का, 1,00,000 रुपए का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कैपिटल कंप्लीट। अब क्वेश्चन में बोला कि हमें बैलेंस शीट भी करनी है, तो बैलेंस शीट और कर देते हैं, फिर ये क्वेश्चन हो जाए। सो बैलेंस शीट में पहले लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स की वैल्यू कितना है अपने पास, 4,15,000, लेकिन एडजस्टमेंट थी यहाँ पे 4,15,000 से कितना कम कर दिया था हमने, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी कम की थी, 6,500। तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी बची, 4,08,500 आ जाएगा क्रेडिटर्स की वैल्यू। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास रिजर्व फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कैपिटल्स का बैलेंस पार्टनर ए बी एंड सी का कितना अपने पास, 360,750, 180,250 एंड सी का बैलेंस कितना, 1,00,000 रुपये, जो कैपिटल में बैलेंस सीड है वो लिख लेंगे। सो 1,00,000 प्लस 180,250 प्लस 360,750, ये अमाउंट आ जाएगी 6,41,000। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, हमने यहाँ पे एक स्टार किया हुआ किया कि हमें प्रोविजन क्रिएट करना है डैमेजेस के लिए 10,000 का। तो 10,000 का एक डैमेजेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करते, प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब आ जाओ एसेट साइड, कैसेट बैंक, कैसेट बैंक अभी कितना है, 2,65,000 आया, कितना था अपने पास, 1,50,000, गया कितना, 25, प्लस 1,50,000 माइनस 25,000, तो कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा, 2,65,000 में प्लस करेंगे 1,50,000 माइनस करेंगे 25,000, तो कितना बैलेंस बचेगा अपने पास, 3,90,000 कैश हो गया। बीआर, बीआर के ऊपर क्या है, प्रोविजन है अपने पास, बीआर की वैल्यू वैसे तो कितनी है, 30,000, लेकिन प्रोविजन क्रिएट कर दिया था हमने 5%, प्रोविजन फॉर क्या लिखेंगे, बीआर, बीआर ही लिख देंगे, कितने का, 1,500 रुपए का 5%, तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 28,500। नेक्स्ट आ जाएगा डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1,60,000, इसके ऊपर भी प्रोविजन क्रिएट कर दिया था हमने 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 8,000 का प्रोविजन था, कितनी वैल्यू बच जाएगी अपने पास, 1,52,000। नेक्स्ट क्या अपने पास, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू में हमने क्या किया था, स्टॉक को हमने 10% डेप्रिसिएट कर दिया था, तो 2,00,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 1,80,000। नेक्स्ट आ जाएगा फिक्स्चर्स, फिक्स्चर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, फिक्स्चर्स की वैल्यू है 10,000, हमने 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो कितनी वैल्यू बच जाएगी, 10,000 माइनस 1,000, और यहां था अपने पास 2,00,000 माइनस 20,000,
उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमने एप्रिसिएट कर दी थी 2,50,000 का, हमने 20% एप्रिसिएट कर दिया था, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3 लाख रुपए। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? नहीं है। टोटल कर लो, पहले एसेट का ही टोटल करते हैं। 390 प्लस 28,500, 1,52,000, 1,80,000, 9,000 एंड 3 लाख, टोटल आ रहा है अपने पास 10,59,500। लाइबिलिटी साइड का टोटल भी चेक करते हैं, माइनस 6,41,000, 408,500 एंड 10,000, तो ये सेम आ रहे हैं। तो ये अपने पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 116 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। तो देखो क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन तो नहीं है लग रहा है ये। पोलिंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ससी एंड आसू शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स है ससी एंड आसू और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। उनकी बैलेंस शीट गिवन, उसमें क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व स्टारमार्क करेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व स्टारमार्क करेंगे, ओल्ड आइटम अपने पास, उसके बाद डेटर्स प्रोविजन लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी स्टॉक बैंक। तान्या एडमिट होगी 1/6 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट। इट वॉज डिसाइडेड दैट, कौन नया पार्टनर आ रहा है, तान्या नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाई 15,000। लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करके कितना कर देना है 2,10,000। स्टॉक को इंक्रीज करने 25,000 से। द लाइबिलिटी ऑन डब्ल्यू सी आर वॉज डिटरमाइन टू बी 120 और अपने पास डब्ल्यू सी आर है कितने का 150 का। ठीक है, तान्या ब्रोड कर रही है हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख इन कैश। तान्या वॉज टू ब्रिंग फर्दर कैपिटल, फर्दर कैश ऑफ 1,50,000 फॉर कैपिटल, मतलब कि वो दोनों अमाउंट किस में लेके आई, कैश में। प्रिपेयर रिवेल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख ले पार्टनर्स का। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2। पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, ससी एंड आसू। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है। न्यू रेशियो की कोई रिक्वायरमेंट है, नहीं है, कुछ नहीं करना। अब जो नया पार्टनर आ रहा है तान्या, वो कितने शेयर के लिए आई है, 1/6 शेयर के लिए ये आई एफ एम में। क्या इसके शेयर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन इसके अलावा नहीं है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा अपने पास, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना आ गया 3:2। अब जर्नल एंट्री कर ले इसके, जो नया पार्टनर आया उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू तान्याज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितनी कैपिटल लेके आई है, 1,50,000 तो कैपिटल लेके आई, और साथ में 1 लाख की अमाउंट आ रही है किसकी, गुडविल की। तो टोटल कितनी अमाउंट आ रही है अपने पास, 2,50,000। कितनी अमाउंट आ रही है टोटल अपने पास कैश में, 2,50,000 टोटल अमाउंट आई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, इसे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 1 लाख टू ससीज कैपिटल अकाउंट एंड आसूज कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का, 3:2, 3+2 5। तो इसको 1 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। तो अमाउंट हो जाएगी अपने पास 60,000 एंड 40,000। ठीक है, ये दो जर्नल एंट्री होगी हमारे पास, ये वर्किंग का भी पार्ट हो जाएगा, जर्नल एंट्री भी होगी। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या हमें करना, क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले अपने पास है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को इंक्रीज करने 15,000 से। तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000। क्या लिखते हैं, ए माइनस एल प्लस, एसेट घटा लाइबिलिटी बढ़ी, एसेट बढ़ा लाइबिलिटी घटी। वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, इंक्रीज करके कितना कर देना है लैंड एंड बिल्डिंग को, 2,10,000। कितना कर देना है, 2,10,000। अभी वैल्यू कितनी है, 180। तो लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू बढ़ेगी, 210 माइनस 180 कितनी वैल्यू बढ़ेगी अपने पास, 30,000 वैल्यू बढ़ेगी लैंड एंड बिल्डिंग की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है हमें 25,000 से। स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे और साथ में क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई। बाई स्टॉक, स्टॉक कितना बढ़ाया हमने 25,000 और यहां पे भी वर्ड यूज कर लेंगे बाई। ठीक है, बाई लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, बाई स्टॉक 25,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना लाइबिलिटी ऑन डब्ल्यू सी आर इज 120 और यहाँ पे कितना क्लेम है अपने पास, 120 का, और रिजर्व कितने का, 150 का। तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ नहीं आना।
बस इतना ही था, टोटल कर लो, बैलेंस लिखो कितना हो जाएगा, 55,000। 55,000 से माइनस कर लेंगे 15,000, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 40,000। क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, किसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, शशि एंड आशु। किस रेशियो में जाएगा, पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा, 8, 24,000 एंड 16,000। ये हो गया रिवॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ शशि, आशु एंड तान्या। शशि, आशु एंड तान्या, सबसे पहले आएगा बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना कितना है, 1,50,000 एंड 1,00,000, 1,50,000 एंड 1,00,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है कितने का, 1,50,000 का, लेकिन इसके ऊपर एक क्लेम है 120 का, तो बैलेंस कितना बचेगा अपने पास, 30,000। 30,000 किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में, 3:2 में। तो क्या लिखेंगे, बाय WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, 30,000 डिवाइडेड बाई 5 कितनी अमाउंट आएगी, 6 × 3, 18,000 एंड 12,000। ये हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बांट दिया, जनरल रिजर्व बाई जनरल रिजर्व 2,50,000। सो 2,50,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 एंड 1,00,000। जनरल रिजर्व भी बट गया, और कोई ओल्ड आइटम है, नहीं है। उसके बाद आ जाओ अपने पास गेन लिख ले, बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना गेन है अपने पास, गेन अपने पास है 24,000 एंड 16,000 का गेन है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास गुडविल से रिलेटेड अमाउंट, पहले नया पार्टनर की कैपिटल लिख ले 150 बाई बैंक, कितनी अमाउंट लेके आया ये, 1,50,000 की कैपिटल लेके आया। और उसके बाद लिख लेते हैं बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 60,000 एंड 40,000। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, टोटल करो और बैलेंस लिख लो, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। सबसे पहले करते हैं शशि का टोटल कितना आएगा, 1,50,000, 18,000, 1,50,000, 24,000 एंड 60,000। 378 ये आ जाएगा अपने पास, 1,50,000, 1,50,000, 18,000, 24,000 एंड 60,000। ये आएगा टोटल 4,02,000। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा, 4,02,000। अब करते हैं आशु का टोटल, 1,12,000, 1,16,000 एंड 40,000। टोटल आ रहा है अपने पास 2,68,000। 2,68,000 का अपने पास बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे आशु का। अब तान्या का तो सिंपल है, 1,50,000 आएगा, 1,50,000, ठीक है, ये आ गया तान्या का शेयर। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, बैलेंस शीट करनी है, बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बैलेंस शीट में हम, क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर्स के ऊपर कोई भी चेंज है, नहीं, सेम लिख लो 1,80,000। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, WCR गया अपने पास, लेकिन इसका क्लेम आएगा, क्लेम ऑन WCR कितने का क्लेम आ रहा था, WCR का 1,20,000 का, कितने का क्लेम था, 1,20,000 का क्लेम था, उसे तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। बैलेंस जो 30,000 था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर शशि, आशु एंड तान्या कितना कितना बैलेंस है, 4,02,000, 268 एंड 1,50,000, तीनों का टोटल कर लो। टोटल आ जाएगा इनकी कैपिटल का 8,20,000। क्या कोई स्टार हमने क्वेश्चन में लगाया फॉर लायबिलिटी, नहीं है, तो लायबिलिटी कंप्लीट होगी। अब आ जाओ डेटर्स एसेट साइड, डेटर्स की वैल्यू कितनी अपने पास, 2,20,000। इसके ऊपर जो प्रोविजन है वो हमने इंक्रीज कर दिया था 15,000 से, अभी कितना है 10 प्लस 15, कितना प्रोविजन हो जाएगा टोटल 25,000 का। सो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास, 1,95,000 डेटर्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को इंक्रीज करके कितना कर दिया हमने, 2,10,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना प्लांट एंड मशीनरी, 1,20,000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम लिखो।
प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास स्टॉक, स्टॉक के ऊपर कोई एडजस्टमेंट, स्टॉक को इंक्रीज करना था 25,000 से, स्टॉक है कितने का 1,10,000 का, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,10,000 प्लस 25,000 कितना आ जाएगा 1,35,000 आ जाएगा अपना स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या अपना बैंक, बैंक की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 2,10,000। ठीक है, नया पार्टनर कितना कैश लेके आया 2,50,000 का, विड्रॉ कुछ हुआ ही नहीं 2,50,000 इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल कैश कितना आ जाएगा अपना 4,60,000 का। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, टोटल कर लो 1,95,000, 2,10,000, 1,20,000, 1,35,000 एंड 4,60,000, टोटल आ जाएगा 11,20,000। एसेट साइड का टोटल आ रहा है, लायबिलिटी साइड का भी यही आना चाहिए 11,20,000। तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास, बैलेंस शीट का टोटल सेम आ गया, ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 117 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 क्या गिवन है क्वेश्चन में देखो, 118 पी एंड एस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2, देयर बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में अपने पास ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जनरल रिजर्व, ओल्ड आइटम्स टर्म मार्क करेंगे, कोई भी है उसका लोन है, कैपिटल का बैलेंस, कैश, डेटर, बीआर, स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड। ऑन 1/4/2023 दे एडमिटेड वी एज ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर कौन आ गया, वी आ गया ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, और यहाँ पे वी का क्या गिवन है अपने पास, लोन गिवन है। वी विल गेट 1/8 द शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसको कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में 1/8, वीज लोन विल बी कन्वर्टेड इन टू द कैपिटल, मतलब ये जो लोन की अमाउंट है उसकी 20,000 ये क्या हो जाएगी कैपिटल हो जाएगी उसकी। The goodwill of the firm was valued at 80,000 and we bought in each share of premium goodwill in cash, वो कैश में लेके आया, तो 80,000 में उसका शेयर कितना आ जाएगा गुडविल का, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 1/8 कितना हो जाएगा 10,000, ये 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के किस रेशियो में, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में। तो आगे पढ़ते क्वेश्चन को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5%, स्टॉक को डेप्रिसिएट करने 5% से, लैंड को एप्रिसिएट करने 10% से, क्वेश्चन में प्रिपेयर करने रिवेल्यूशन, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, पार्टनर्स के नाम क्या क्या अपने पास, पी एंड एस पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है 3:2 का। एक नया पार्टनर वी आया, कितने शेयर के लिए आया 1/8 शेयर के लिए, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो हो जाएगा। तो वी का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन ने बता दिया 80,000, ये आ रहा है 1/8 शेयर के लिए, तो गुडविल में कितना शेयर आ जाएगा इसका 10,000। तो अगर हम दो जर्नल एंट्री करें इसके एडमिशन से रिलेटेड, कब आएगी 1/4/2023 को, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी कि इसका कैपिटल हमने कहां से निकाला, इसके लोन अकाउंट से, तो एंट्री क्या आ जाएगी, वीज लोन अकाउंट डेबिट टू वीज कैपिटल अकाउंट, तो उसकी कैपिटल कितनी होगी 20,000, उसके लोन की वैल्यू कितनी है 20, तो यही उसका कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, वो प्रीमियम फॉर गुडविल किस में लेके आया, कैश में, क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने पास, कैश गिवन है, तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम यहाँ पे, कैश ही यूज करेंगे। सो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना लेके आया वो प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब ये 10,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड टू एस कैपिटल अकाउंट, कितनी अमाउंट है 10,000, किस रेशियो में बटेगा 3:2 में, 10,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 2,000 इंटू 3 6,000 इंटू 2 4,000। ठीक है, ये अपने पास वर्किंग्स हो गई कंप्लीट। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना करना है 5%, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 30,000, कितना है 30,000, 30,000 का 5% कितना आएगा 1,500, पहले से कितना प्रोविजन अपने पास, लायबिलिटी साइड देखो 1,000 का, कितने का प्रोविजन है 1,000 का, तो कितना प्रोविजन बढ़ा अपने पास 500 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना बढ़ जाएगा अपने पास 500 से प्रोविजन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक को डेप्रिसिएट करने 5% से, स्टॉक की वैल्यू कितनी है अपने पास 50,000, 50,000 का 5% कितना आएगा 2,500, तो स्टॉक की कितनी वैल्यू कम कर देंगे हम 2,500। नेक्स्ट आ जाएगा लैंड को एप्रिसिएट करने 10% से, लैंड की वैल्यू है कितनी 1,48,000,
तो लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट हो जाएगी कितने से, 14,800 से लैंड की वैल्यू एप्रिसिएट हो जाएगी। ठीक है, इतनी एडजस्टमेंट है। तो अपने पास क्या आएगा क्वेश्चन में, गेन ही आएगा, 14,800 से माइनस कर देंगे 3,000, कितना बच जाएगा 11,800। क्या लिखेंगे, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी एंड एस, किस रेशियो में जाएगा, 3:2। सो 11,800 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 7080 एंड 4720, ये अपने पास रिवैल्यूएशन में गेन आ गया पार्टनर्स का इन ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या करना है, कैपिटल अकाउंट करना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी एस एंड बी, पी एस एंड बी, पी एस एंड बी। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बी डी, तो कितना बैलेंस है 1,00,000 and 1,80,000, 1,00,000 and 1,80,000, ये आ गया अपने पास। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपना ओल्ड आइटम में, क्या, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने का, 15,000 का, तो लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व 15,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में, 15,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आएगा अपने पास 9,000 and 6,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास जनरल रिजर्व, कैपिटल का बैलेंस, वी का लोन कितना है, वी का लोन 20,000, इस लोन को हमने क्या बना दिया था, उसकी कैपिटल, तो लिख लें यहाँ पे बाई वीज लोन, ये उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी 20,000 रुपए की। ठीक है, तो लोन का भी ट्रीटमेंट कर दिया। और कोई ओल्ड आइटम है, नहीं है, बैलेंस शीट से और हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब गेन लिख लिया हमारे पास रिवैल्यूएशन के ऊपर, गेन आया था बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना गेन आया 7080 and 4720। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास गुडविल में बैलेंस 6,000 and 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये हो गया अपना। और कोई आइटम आएगा, और तो कुछ नहीं है, टोटल कर लो, बैलेंस लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी, कितना बैलेंस आएगा, पी का टोटल करते हैं 1,09,000, 1,615,000, 1,22,000, 1,22,080, 1,22,080, 1,22,080, उसके बाद ऐसा आ जाएगा 1,80,000, 6,000, 4,720 and 4,000, अमाउंट आ जाएगी 1,94,720, 1,94,720, 1,94,720, और वी का बैलेंस कितना आ जाएगा 20,000। ठीक है, ये कैपिटल कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी करनी है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मतलब वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी आज, लगभग 1 घंटे के आसपास की हो जाएगी। देखो, सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट कोई चेंज नहीं है, सेम आ जाएगा 20,000। ठीक है, सेम आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स 30,000, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हमने बढ़ा के कितना कर दिया था 1,500 कर दिया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1,000 पहले से था, 500 हमने इंक्रीज किया था। नेक्स्ट आ जाएगा जनरल रिजर्व, जा चुका, लोन नहीं आएगा अपने पास, कैपिटल्स का बैलेंस वी, पी एस एंड वी, पी एस एंड वी, कैपिटल्स का कितना बैलेंस है 1,22,080, 1,94,720 and 20,000, जो लोन था वो उसकी कैपिटल हो गई, टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा अपने पास 3,36,800। क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, नहीं है, एसेट साइड आ जाओ, कैश, तो कैश तो सेम ही रहेगा 8,000, कोई चेंज ही नहीं आया क्वेश्चन में, या चेंज आया, वो गुडविल लेके आया था शायद कैश में, हाँ 10,000 की गुडविल आई थी कैश में, तो कितना कैश हो जाएगा अपने पास 8,000 पहले से था, गुडविल का शेयर लेके आया, टोटल अमाउंट कितनी हो गई 18,000, कैश हो गया। डेटर्स, डेटर्स को सेम लिखेंगे यहाँ पे 30,000, क्योंकि इसका जो प्रोविजन है वो यहाँ पे अलग से चल रहा है। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो गई। उसके बाद बी आर 40,000, कोई चेंज नहीं था। नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक, स्टॉक के अंदर चेंज था कि स्टॉक की वैल्यू को हमें डेप्रिसिएट करना था 5% से, तो 50,000 में से कितना माइनस किया था हमने 2,500, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000 - 2,500 कितना आ जाएगा 47,500। ये स्टॉक आ गया। स्टॉक के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है अपने पास 90,000, कोई चेंज नहीं है बिल्डिंग में। बिल्डिंग के बाद लैंड,
लैंड की वैल्यू हमने क्या किया था, लैंड की वैल्यू हमने बढ़ा दिया था 1,48,000 में, ऐड कर देंगे 14,800, अमाउंट आ जाएगी 162,800, टोटल कर लो और बैलेंस लिखेंगे कितना आ रहा है। थ्री डबल एट थ्री डबल जीरो इतना ही यहां का टोटल आना चाहिए अपना। सेम आ रहा अपने पास, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 118 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक कितनी देर की वीडियो हो गई, 35 मिनट, तो आराम से 15 मिनट जाएगी, तो ये मान लो 50 मिनट के आसपास की वीडियो हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 119, क्या करना है क्वेश्चन में देखो, रमन एंड अमन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है, 3:1। ऑन 31 मार्च 2019 उनके बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, सन्डे क्रेडिटर्स, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ओल्ड आइटम है, कैपिटल्स का बैलेंस, बैंक, बीआर, सन्डे डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में कोई भी ओल्ड आइटम नहीं है, सिर्फ एक WCR है। ऑन द अबाउट डेट सुमन वाज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, एक नई पार्टनर आ गई सुमन, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सुमन विल ब्रिंग 2 लाख एज अ कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख ऑन सुमन्स एडमिशन। तो उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और दोनों अमाउंट कैश में आई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें पे कर देना है, 5,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड ए प्रोविजन फॉर 5% बी क्रिएटेड ऑन द डेटर्स, ठीक है हो जाएगा। उसके बाद लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितना अपने पास, 60,000 का अपने पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, कितने का, 55 का, मतलब कि 5,000 एक्सेस होगी। मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 18,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है, वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई, लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 54,000, मशीनरी भी डेप्रिसिएट हुई, लैंड एंड बिल्डिंग भी डेप्रिसिएट हुई। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, हमें क्या करना है, सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है, मतलब ना तो कैपिटल करना है ना बैलेंस शीट करना, ठीक है, तो हो जाएगा 10 मिनट में फिर। तो चलो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, सबसे पहले लिखते हैं रमन एंड अमन का ओल्ड रेशियो। रमन एंड अमन का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है अपने पास, 3:1। न्यू पार्टनर कौन आया, सुमन। कितने शेयर के लिए आ रही है सुमन फर्म में, 1/5 शेयर के लिए। इसके शेयर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो 3:1 ओल्ड रेशियो यही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो, ठीक है। अच्छा अब फर्म की गुडविल कितनी है अपने पास, 1 लाख, तो सुमन का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में, सुमन से शेयर इन गुडविल 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1/5, कितना अमाउंट आ जाएगा इसका गुडविल में, 20,000। अब जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करें, कौन से डेट को एंट्री होगी अपने पास, ऑन द अबाउट डेट, अबाउट डेट कौन से, 31 मार्च 2019, तो सारी एंट्री कब आएगी, 31 मार्च 2019 को। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में क्या गिवन है, बैंक, तो हम क्या लिख लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 20,000। कितनी कैपिटल लेके आई है फर्म में, 2 लाख, तो टोटल कितना कैश आ गया अपने पास, 2,50,000, ठीक है। ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हुई, 220, ठीक करेंगे इसे, 2,20,000, कितनी अमाउंट आई फर्म में, 2,20,000 की अमाउंट आई। नेक्स्ट आ जाएगा अपना जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सैक्रिफाइजिंग रेशियो में, पार्टनर का सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या अपने पास, 3:1, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू अमन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल अपने पास, 20,000, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, 3:1, 3+1 कितना होगा, 4, 20,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा अपने पास, 5,000 एंड 15,000, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 5 एंड 15,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपने, ये तो नए पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी, फर्स्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड पे आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस भी पेड ऑफ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हमें पे करना है। सो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने के, 18,000 के,
तो एंट्री क्या आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, कितना पे कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का हम, 5000, नहीं सॉरी 5000 नहीं, कितनी अमाउंट है 18000, 18000 अपने पे कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। उसके बाद 5000 बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट एंड ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑन द डेटर्स बी मेंटेन्ड। तो हमें क्या करने, 5000 रुपए बैड डेट्स लिखने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना अपने पास 7000 रुपए का। अब ये जो प्रोविजन हमने बनाया ये किसके लिए बनाया है, बैड डेट्स के लिए बनाया था, तो प्रोविजन को यूटिलाइज कर लेंगे। तो अपने पास नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट। प्रोविजन से कितनी वैल्यू कम कर देंगे, बैड डेट्स कितने के हो गए 5000 के, ठीक है ये हो गया। और इसकी एक और एंट्री कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स। हमें क्या करनी है, डेटर्स की वैल्यू भी कम कर देनी है ना 5000 रुपए से, तो डेटर्स की वैल्यू 5000 रुपए से कम हो गई। देखो 7000 का प्रोविजन था, उसमें से 5000 हमने यूटिलाइज कर लिए किसके लिए, बैड डेट्स के लिए, तो 2000 का प्रोविजन बचा। अब डेटर्स की वैल्यू कितनी थी अपने पास 95000, 95000 में से 5000 हमने बैड डेट के हटा दिए, तो डेटर्स कितने के बचे अब अपने पास 90000 के। अब क्वेश्चन ने बोला हमें एक प्रोविजन क्रिएट करने 5%, क्या क्रिएट करने 5% एक प्रोविजन क्रिएट करने, तो नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, 5% प्रोविजन क्रिएट करने, तो 5% प्रोविजन 90000 का 5% कितना होगा 4500। अभी हमारे पास प्रोविजन कितना है 2000, करना कितना है 4500, मतलब प्रोविजन बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी, रिवैल्यूशन में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, या फिर ऐसे समझ लो लाइबिलिटी बढ़ाएंगे, लाइबिलिटी बढ़ती है अपने पास क्रेडिट साइड, कितने से 2500 से, 4500 माइनस 2000, ये अपने पास प्रोविजन की एंट्री हो गई। थर्ड सेकंड हो गया अपने पास, थर्ड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 60000। नेक्स्ट एंट्री क्या आएगी, सबसे पहले तो लिखो WCR अकाउंट डेबिट, WCR है कितने का, WCR अपने पास है 55000 का। अब इसके ऊपर जो क्लेम आया वो कितने का क्लेम आया, 60000 का क्लेम आया, तो एक लाइन छोड़ने के बाद लिखेंगे टू क्लेम ऑन WCR, 60000 का क्लेम आ गया, तो बैलेंस 5000 कहां चला जाएगा फिर, रिवैल्यूशन अकाउंट में, कहां चला जाएगा रिवैल्यूशन अकाउंट में चला जाएगा 5000, ठीक है ये अपने पास एंट्री होगी थर्ड। नाउ फोर्थ, मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है और लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिसिएट करना है, तो एक एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूशन से रिलेटेड, अब क्या एंट्री आ जाएगी अपने पास, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट, दोनों एसेट कम हुए तो एसेट्स को क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। पहले कौन सा एसेट कम हुआ, मशीनरी, मशीनरी की कितनी वैल्यू कम करनी है हमें 18000, एंड लैंड एंड बिल्डिंग को भी डेप्रिसिएट करना है 54000 से, टू लैंड एंड बिल्डिंग 54000, टोटल कितना आ जाएगा 54 प्लस 18, टोटल कितनी वैल्यू लिखेंगे रिवैल्यूशन के डेबिट साइड 72000, ये एंट्री होगी अपने पास। इसके अलावा और कुछ नहीं है, कोई ओल्ड आइटम नहीं है अपना, अब तो अब हम क्या करेंगे लास्ट एंट्री, अब रिवैल्यूशन की डेबिट साइड जितनी भी एंट्री आई सारी रिवैल्यूशन के डेबिट में आ रही है, कितना 2500, 5000 एंड 72000, तो रिवैल्यूशन का लॉस आ जाएगा अपने पास कितने का, 79500 का लॉस हो जाएगा, भाई तीनों आइटम को जोड़ लो तो अपना रिवैल्यूशन का लॉस क्रिएट हो गया। रिवैल्यूशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट, तो एंट्री क्या आएगी, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो रिवैल्यूशन अकाउंट 79500 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:1 डिवाइडेड बाई 4, अमाउंट आएगी 19875 एंड 59625, ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 119 का। इसके अलावा और कोई जर्नल एंट्री तो नहीं है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो इतनी ही एंट्री है, पार्टनर से रिलेटेड दो एंट्री हो गई, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रोविजन से रिलेटेड एंट्री हो गई अपने पास, WCR की एंट्री हो गई, रिवैल्यूशन, हाँ ठीक है बस इतनी ही एंट्री है, क्वेश्चन नंबर 119 का यही आंसर है, बस जर्नल एंट्रीज करनी थी, ठीक है कोई कैपिटल बैलेंस शीट हमें कुछ नहीं करना। तो कितनी देर लगी हमें इन चार क्वेश्चन को करने में, पूरी 45 मिनट्स।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, मुश्किल से लगेगी हमें कितनी वीडियो, 2 4 6 7 7 वीडियोज में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।